पिकू जो है ना ये खा गया है ये खा गया एक पिकू दिस इज रियली बैड पिकू हम्म, जी हम्म हम्म, जाओ आ जाओ हम्म हम्म आ आओ नहीं आ पीकू ये आज इसका मूड क्यों खराब है मूड तो ना खराब है ये दो सीख रहे तू ऊपर तो नहीं आ रही है मगर ये आ नहीं रहा आ गया पीकू आ जाओ ना पीकू आओ आओ पीकू का इरादा है कि वो ये सब कुछ खा जाए इसीलिए नहीं आ रहा वो थोड़ी सी बदमाशी कर रहा है हम्म बिठाओ मुझे दो इधर बिठाओ पिकू ये देखो फिर वो खाने की जिद कर पिकू इधर देखे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम आज की जो वीडियो है बस ऐसे ही घर uh, में वैसे बैठी हुई थी तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से बात करूँ आज मैंने एक कोट पढ़ा तो uh, मुझे लगा कि ये मेरे दिल की आवाज़ है वॉट दिस इज़ एग्जैक्टली वॉट आई थिंक सो आई थाट टू शेयर विद यू द सेम फीलिंग आई है बट इन अ डिफरेंट रिकार्ड चलें पहले मैं आपको कोट सुनाती हूँ ये देखें ये जो कोट है ये जो है ये है जैकमा अली बाबा ग्रुप ठीक है ये इनका कोट है तो ये मैं आपको सुनाती हूँ फॉर पीपल इन बिजनेस फॉर स्टेग अट इवन टॉक अबाउट योर ड्रीम्स एंड प्लान जस्ट मेक श्योर देट यू स्टेफ इफ यू कैन स्टे अ लाइफ देन यू वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑलरेडी चेक मा अली बा ग्रुप इट्स रियली थाटफुल बहुत सारे लोगोंकि हमें ज़िंदगी में उन चीज़ों पे भी शुक्र का मौका मिला है जो शायद ज़िंदगी में पहले कभी नहीं मिला या हम लोगों ने ऐसा ज़िंदगी को कभी ऐसे लिया ही नहीं जिन चीज़ों पे शुक्र बनता है जिन चीज़ों पे हम अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हैं हम उन पर शुक्र नहीं करते थे तो ज़िंदगी ने हमें एक चांस दिया है कि हम उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करें और हम उस पर अल्लाह ताली का शुक्र करें जैसे आज़ादी बहुत बड़ी नमत है ठीक है हम उस पर कभी भी अल्लाह के शुक्रगुजार नहीं होते हम अब बाहर ऑक्सीजन और सांस लेने को तरसते तो हैं कि हम बाहर निकलें खुली फ़जा में सांस लें हम अभी वो नेमत लगती है हमें शायद वो पहले नेमत ना लगती हो और इसके अलावा अलहद हम ठीक हैं हम चल फिर रहे हैं हम जिंदा हैं हमारे हाथ पैर सलामत हैं हम हॉस्पिटल में नहीं पड़े हुए तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिस जो हम अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों पे तो शुक्र करते नहीं हैं कि अल्लाह तेरा कितना शुक्र है एक तो मैं समझती हूँ कि इस लॉकडाउन की वजह से हमें शुक्रगुजारी का बहुत ज़्यादा मौक़ा मिला है वो इस तरह के हमने ज़िंदगी में उन चीज़ों को उन नियमतों को घर में रह कर रियलाइज़ किया है कि जो हमें शायद पहले हम उस पर आ, बात नहीं करते थे और उन्हीं नेमतों में से एक नेमत है घर में रहना फैमिली के साथ और अपने बच्चों के साथ तो ये सबसे बड़ी नेमत है और हम अपने ज़िंदगी के जो मशीनी दौर है उसमें हम यकीनन ये बात मिस कर रहे थे कि हम अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे थे तो बस मैं आज की वीडियो में सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जस्ट बी थैंकफुल टू अल्लाह ऑन वट एवर यू हैव और ज़िंदगी में जो कुछ भी आपके पास है उठते बैठते उस पर शुक्र करें और अल्लाह ताला कुरान पाक में बार बार ये फरमाते हैं कि इंसान बहुत ना शुक्र है और इसमें कोई शक नहीं है कि हम बहुत ना शुक्र हैं तो इसके साथ साथ एक और चीज़ के अपने बच्चों की स्टडीज़ का बिल्कुल भी टेंशन ना लें सब जिंदगी के साथ चलता है ज़िंदगी चलेगी तो ये सब चल पड़ेगा सारी उम्र पढ़ना है आपको पता है हम साठ साल ज़िंदगी गुजारने के लिए पच्चीस साल पढ़ते हैं और वो पच्चीस साल जो पढ़ा होता है वो आगे हम सिर्फ पच्चीस से तीस साल इस्तेमाल करते हैं उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है और जहाँ हमने सारी उम्र रहना है उसके लिए हम कोई तैयारी नहीं करते तो क्या आपने ये कभी सोचा है कि हम इतनी सी जिंदगी गुजारने के लिए इतने साल पढ़ते हैं और जहाँ आपने मरना ही नहीं इतनी लंबी ज़िंदगी उसके लिए हम एक किताब नहीं पढ़ सकते तो अल्लाह ताला ने ये हमें मौका दिया है कि हम वो किताब पढ़ें हम समझें इस चीज़ को और वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों की स्टडीज़ को लेकर बहुत परेशान हैं उनको भी मैं ये कहूँगी कि बिल्कुल भी परेशान मत हूँ सारी ज़िंदगी हमने पढ़ना ही पढ़ना है बच्चों ने पढ़ना है ज़िंदगी फिर उसी तरह मशीनी अंदाज में चल पड़ेगी सब कुछ होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह थोड़ा सा टाइम है और ये सारी चीज़ें जो आती हैं ना ये अल्लाह ताला स्पीड ब्रेकर होते हैं जब इंसान सर पर दौड़ता है तो फिर उसकी ज़िंदगी में जैसे गाड़ी भी तेज़ चलती है तो स्पीड ब्रेकर आ जाता है इंसान को रियलाइज़ कराने के लिए कि होल्ड ऑन स्लो डाउन तो दिस इज़ व्हाट आपकी ज़िंदगी का एक स्पीड ब्रेकर है इस पर जरा रुकें सोचें और इस टाइम को यूटिलाइज करें और बच्चों के साथ टाइम गुजारें क्योंकि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलना बच्चों को ज़िंदगी गुजारने की वो चीज़ें बताएं अब देखें ज़्यादातर घर में मेयर्स नहीं हैं तो हम लोग काम करना ख़ुद सीख रहे हैं हम भी नहीं ना सिर्फ हमारे बच्चे भी काम करना ख़ुद सीख रहे हैं तो बच्चों को उनके अलमारी सेट करके रखना घर के काम कोई बर्तन उठाना किचन कुछ थोड़ा बहुत मैं समझती हूँ अगर लड़के हैं तो उनको कुकिंग भी आनी चाहिए तो कुछ उनको कुकिंग और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि आप बच्चे को सिखा सकते हैं इसके साथ साथ उसको कुरान वो जो हमने तो इतना सारा कुछ है करने को इस क्वारंटीन में बच्चे की जो सब तरबियत है उसके माँ की गोद है उसका घर है तो आपने बच्चे को घर में रहकर वो सब चीजें सिखाएं जो इस मशीनी दौर में हमसे मिस हो रही थी ये बहुत खूबसूरत टाइम है प्लीज अवेल अपने बच्चों को वक्त दें उनको साथ लगाएं उनसे प्यार करें अगर आपकी शादी नहीं हुई हुई आपके बच्चे नहीं हैं तो अपने घर वालों को टाइम दें अपने पेरेंट्स को टाइम दें अपने बहन भाइयों को टाइम दें तो इसके अलावा वो काम करें घर में रहकर जो आपके ज़िंदगी में आपके आगे चलकर आपका साथ देने हैं जैसे कुरान की तालीम लें कुरान सीखें ना सिर्फ सीखें बल्कि सिखाएँ भी तो बहुत कुछ है तो बहुत कुछ है ज़िंदगी में करने के लिए क्वारंटीन में भी और लॉकडाउन में भी तो स्टे पॉजिटिव स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी स्टे अलाइव तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में और इन्जॉय द मोमेंट्स विद योर फैमिली एंड बी थैंकफुल टू अल्लाह फॉर ईच एंड एवरी थिंग ही गिवन यू तो अल्लाह का बहुत शुक्र करें बहुत शुक्र करें और बहुत खुश रहें और अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़